आवाज देता है वहीं से फिर कोई, जहां छोड़ाया हूं कुछ कांच के टुकड़े, कुछ यादें, कुछ कहानियां। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त राजेंद्र फंड आपको सुनाता हूं हर बार एक नई कहानी। इस बार जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं उसको लिखा है मेरे लेखक साथी महेश शर्मा ने। महेश जी एक बेहतरीन अभिनेता हैं, लेखक हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। आप उनकी लिखी हुई कहानियाँ उनकी ही आवाज़ में भी सुन सकते हैं। मैं जो कहानी आपको सुना रहा हूँ उसका शीर्षक है नालायक। अरे माँ साहब, रेट तो डबल हैं पर आधे में काम करवा दूंगा आपका, वो धीमे से फुसफुसाया। क्या करें सर, बहुत दिक्कत है, ऊपर तक चढ़ावा देना पड़ता है। फिर एकाएक उसके लहजे में बेशर्मी उतर आई। और फिर आज तो 5 सितंबर है, डिस्काउंट समझ लो आप ये मेरी तरफ से। मास्टर जी थोड़ा खिन होते हुए, पसीना पोंछते हुए कुर्सी से उठ खड़े हुए। सरकारी दफ्तर के उस कमरे से बाहर निकले ही थे कि पीछे से उसी कलर की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर बहुत माया जोड़ रखी है इस बुढ़े ने। पेंशन मिलती है सो अलग, पर देने के नाम जेब फटी जा रही है। मास्टर जी वहीं ठिठक गए। उन्होंने आगे सुना, अंग्रेजी पढ़ाते थे ये हमें, उन्हीं लोंडों को नंबर देते थे जो इनके यहाँ ट्यूशन पढ़ते थे। हमने भी पढ़ी ट्यूशन, तब पास हुए, पर अब क्या करें, गुरुजी हैं इसलिए लिहाज कर रहा हूँ। वो बेहद थके थके से बाहर आए, निर्णय लिया कि अपने इस विद्यार्थी का एहसान नहीं लेंगे, जितनी रिश्वत मांगता है देकर अपना काम करवा लेंगे। बैंक से रकम निकलवा कर पासबुक समेत थैले में रखी और थैले को बड़ी एहतियात से स्कूटर की डिग्गी में रखने ही जा रहे थे कि मानो चील ने झपट्टा मारा हो। बाइक सवार वो शख्स जो मुंह पर कपड़ा बांधे था पल भर में लुढ़क गया। मास्टर जी पहले हतबुद्धि से खड़े रह गए, फिर लड़खड़ाकर गिर पड़े। थाने में रपट लिखवा दी गई थी, घर में कोहराम मचा था, पर मास्टर जी चुप्पी लगा गए थे, बस बिस्तर पर पड़े पड़े छत को घूरे जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से आंख लगी, लेकिन एक डरावना सपना देखा और पसीने से तर बतर हो बिस्तर से उठ खड़े हुए। सुबह हो चुकी थी, मन ना होते हुए भी सैर को निकल पड़े। अभी नुक्कड़ तक ही पहुंचे थे कि एकाएक हड़बड़ा से गए। एक तेज गति से आ रही बाइक उनको छूती हुई निकल गई। वो फटी फटी आंखों से देखते रह गए, क्योंकि उनका थैला अब उनके पैरों के पास पड़ा था। धड़कते दिल से उसे खोला, रकम पासबुक सब सही सलामत थे, साथ में कागज का एक पुर्जा भी था जिस पर बहुत उबड़ खाबड़ तरीके से लिखा था, सॉरी माँ साहब, गलती हो गई, अगर हम भी ट्यूशन पढ़ सकते होते तो कहीं बाबू वाबू लग जाते। मास्टर जी कुछ सोच रहे थे। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लिखी हुई कविताएं या कहानियां सभी सुने तो मुझे लिखकर भेजें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। और दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। इसी के साथ अपने इस साथी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।